हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। ये आपका एडिटोरियल है दक्षिण एशिया में चीन के महत्व की बात की जा रही है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं चीन जिस तरह से विस्तारवादी नीति दिखा रहा है उससे कोई भी देश नहीं बचा हुआ है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान पर लगभग लगभग उसने कब्जा ही कर लिया है, श्रीलंका, अब नेपाल बचा हुआ था उसे भी। तो ये क्या करता है चीन, आपने सूदखोर को देखा है, बिचौलियों को? गांव में एक सेठ हुआ करते थे जो अभी भी होते हैं, कि किसानों को किसान उनसे ऋण लिया करते थे। इतना ऋण का ब्याज रहता था उनका सेठ का, कि उसका ब्याज चुकाने के लिए भी सेठ से किसान उधार लेने पड़ता था। मूलधन की छोड़िए, ब्याज भी चुकाने के लिए किसानों को उधार लेना पड़ता था उन्हीं लोगों से, और बाद में उनकी जमीन हड़प ली जाती थी किसानों की, उसके एवज में इतना ब्याज इतना मूलधन हो जाया करता था। तो यही रवैया है आपके चीन का, कि पहले ऋण देता रहेगा देता रहेगा, एक समय के बाद इतना ऋण हो जाएगा कि कई बंदरगाह, पोर्ट, इस तरह की गिरवी रख लेगा। श्रीलंका में आपने देखा है, तो ये सब जगह ऐसा ही चलता है। तो देखेंगे दक्षिण चीन में किस संदर्भ में अभी बात की जा रही, एक परिचय देख लेंगे। एक सार्क के बारे में, एक संगठन है उसके बारे में भी बात करेंगे। सार्क सदस्यों में मतभेद जो चीन के लिए स्थान उत्पन्न कर रहे हैं, सार्क देशों में मतभेद देखा जा रहा है, इसी का फायदा आपका चीन उठा रहा है। इस क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप से समस्या क्या उत्पन्न हो रही है, और क्या किया जा सकता है कि सार्क के फिर से सभी देश सक्रिय हो जाएं और अच्छा माहौल उत्पन्न हो। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके चीन की, बात करते हैं कि आखिर चीन है कहां मैप्स में। देखिए, 21वीं सदी आपके एशिया की सदी कहा जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया में ही है, और इसीलिए जनसंख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप किसी भी चीज का उत्पादन कर रहे हैं तो उसे खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, लेकिन दोनों देश मिलकर ही नहीं रहते हैं, तो इससे पिछड़ा हुआ है। ये आपका भारत हो गया, नीचे आपका श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आप हमारे पड़ोसी हैं। चाइना, बीजिंग इसकी राजधानी हो गई। ये लद्दाख वाले क्षेत्र में विवाद चल रहा है, LAC वाले में चाइना से, और अब आप भूटान के पास भी देखते हैं, सिक्किम के पास, और अरुणाचल प्रदेश को तो पूरा हिस्सा बताता है, चीन कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। ठीक है, एशिया के देश हैं दोनों। और आपने देखा है ताइवान में भी, हांगकांग में भी यहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि इन पर भी चाइना अपना दबदबा पूरी तरह से करना चाह रहा है। तिब्बत को आप समझिए कि तिब्बत से हमारी सीमा लगती है, चाइना से कभी हमारी सीमा नहीं लगती है, लेकिन आपने देखा है कि तिब्बत को जब से चीन ने हड़प लिया है तब से चीन से हमारी सीमा लगने लगी है, वरना हमारी सीमा तो तिब्बत से लगती थी। नियमित रूप से चीन दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगा, जिसके द्वारा सभी दक्षिण एशियाई क्षेत्र को अस्थिरता का सामना करना पड़ा है। दक्षिण चीन सागर आप लोग जानते हैं कि उसमें भी विवाद चलता रहता है, चीन दबदबा बनाए रहता है अपना। जैसा कि भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है, और एक चीन अपने वैश्विक विस्तारवादी के हिस्से के रूप में दक्षिण एशिया में भारत के हितों को दूर कर रहा है, यह नई दिल्ली के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण भी बना हुआ है और होना भी चाहिए। पाकिस्तान ने चीन की निकटता जब जाहिर की है, नेपाल वैचारिक और भौतिक कारणों से चीन के करीब आ रहा है, चीन बांग्लादेश उत्पादकों के 97% तक टैरिफ की छूट देकर बांग्लादेश को लुभा रहा है, और बड़े पैमाने पर निवेश के साथ श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को तेज कर रहा है। बुकिंग्स इंडिया के अध्ययन के अनुसार अधिकांश दक्षिण एशियाई राष्ट्र भारत की भौगोलिक निकटता के बावजूद आयात के लिए चीन पर निर्भर हैं। आपको याद होना चाहिए इससे भी हमारे पड़ोसी देश हैं, फिर भी आप देख रहे हैं कि इन पर हमसे ज्यादा चीन का कब्जा होता जा रहा है, चीन से इनकी निकटता बढ़ती जा रही है, हमसे हटती जा रही है। हमारा नेपाल कितना अच्छा हुआ करता था, रोटी बेटी का रिश्ता बोलते थे नेपाल और भारत को, अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन से कि उससे भी जितने खराब से खराब रिश्ते हो सकते थे रिश्ते हो चुके हैं, चाइना से हमारे रिश्ते खराब हैं, और आपका श्रीलंका में विपक्ष की पार्टी बैठी हुई है जिससे हमारे रिश्ते कभी सही नहीं रहे हैं, फिर भी आप ठीक है, अभी स्थिति उसकी बनी हुई है। और इस तरफ आप देखिए बांग्लादेश से ठीक चल रही है, लेकिन पाकिस्तान से हमारी बुरी स्थिति, उससे खराब रिश्ते चलते रहते हैं। सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी।
संगठन का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित किया गया। सार्क के अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें 8 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया, लेकिन इसमें चीन को शामिल नहीं किया गया। आपके सार्क सदस्यों में मतभेद जो चीन के लिए स्थान उत्पन्न कर रहे हैं कौन कौन सी? बिग ब्रदर सिंड्रोम। सभी सार्क देशों के बीच भारत का 70% क्षेत्र है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर सभी देश एक दूसरे के साथ सीमा साझा कर नहीं करते हैं। इससे भारत के प्रति सदस्यों के बीच विश्वास की कमी पैदा होती है और छोटे देश भारत को संतुलित करने के लिए चीन की ओर देख रहे हैं। अब आप सोचिए, कोई भी देश अब स्वतंत्र रहना चाह रहा है, हम लोग बिग ब्रदर सिंड्रोम यानी कि हम बड़े भाई होने का फर्ज निभाते थे, लेकिन अब वो देश नहीं रहे। वो कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, अब हमारे ऊपर कोई भी कुछ थोपे ना जबरदस्ती। एक यही मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक मतभेद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैन्य शासन में अधिकतम शासन था। नेपाल में 2006 तक राजशाही थी और चीन भी वास्तविक रूप से लोकतंत्र का पालन नहीं करता है, जिससे पाकिस्तान, नेपाल और जैसे देश चीन की ओर क्यों झुक रहे हैं? इसी के कारण। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि हम अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते हैं, हमें उनसे रिश्ते बना अच्छे ही रखना पड़ेगा, मजबूरी हमारी। समझ रहे हैं? एक समय अमेरिका से रिश्ते खराब हो जाए, ब्रिटेन से रिश्ते खराब हो जाए, चल सकता है, लेकिन हमारे पड़ोसियों को तो हमारी औकात पता है, सब जानते हैं। अगर इनसे हम रिश्ते खराब रखते हैं तो हमारी सामरिक स्थिति के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए पूरी तरह से अच्छा नहीं रहता है, ठीक है? इसलिए हमेशा कहते हैं कि दोस्त पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं। चीन की आर्थिक स्थिरता की बात करें हम लोग, तो भारत छोड़कर सदस्य राज्य अभी भी आर्थिक एकीकरण और सहयोग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है, लेकिन भारत ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है, जिसके फलस्वरूप सार्क देश चीन को झुक की ओर झुक रहे हैं। भारत पाक मुद्दा। भारत के बाद पाकिस्तान इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दे हैं जो सार्क की वृद्धि को कम करते हैं। पाकिस्तान चीन को इस द्विपक्षीय मुद्दे में दखल देने की अनुमति दे रहा है। उदाहरण के लिए CPEC प्रोजेक्ट ले सकते हैं। यह प्रोजेक्ट वहां से जा रहा है जहां हमारा POK वाला यानी कि विवादित हिस्सा बना हुआ है, VRI परियोजना। दक्षिण में रेल सड़क संपर्क की कोई प्रगति नहीं है, जो आर्थिक सहयोग में बहुत बड़ी बाधा है, लेकिन चीन का BRI प्रोजेक्ट क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है, लेकिन भारत BRI का विरोध कर रहा है। आप एक तरह से समझ सकते हैं कि नेपाल, जिसकी कोई औकात नहीं है, एक तरह से आप यही समझिए, पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है, कोई समुद्री सीमा नहीं लगी हुई है, अगर हमारी तरफ से बंद हो जाए तो चीन की तरफ से बहुत मुश्किल से आयात हो पाता है, निर्यात हो पाता है, उस तरफ से व्यवस्था नहीं है इतनी तगड़ी से, लेकिन फिर भी वो देखिए अब अपना सर उठाने लगा है। इस क्षेत्र में चीन के हस्तक्षेप से समस्या। चीन की विस्तारवादी नीति। चीन दुनिया में एक नव साम्राज्यवाद पैदा कर रहा है। उदाहरण के लिए चीन 99 साल के लिए श्रीलंका के बंदरगाह को प्रयोग करेगा, क्योंकि श्रीलंका कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। मैंने बताया था ना कि वही किसानों जैसा हाल होता है। विकास के लिए श्रीलंका द्वारा चीन से लिए गए ऋण को वह वापस करने में सक्षम नहीं है। यह स्थिति क्षेत्र में नव उपनिवेशवाद को जन्म देगी। साझा संस्कृति नहीं है। यह धारणा है कि चीन दक्षिण एशियाई देश नहीं है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया के लोगों के साथ एक इतिहास और संस्कृति साझा नहीं करता है। चीन के पास 8 दक्षिणी एशियाई देशों में से 5 की सीमाएं हैं और बांग्लादेश की निकटता में स्थित है, फिर भी चीन दक्षिण एशियाई देश नहीं है। भारत की चिंताओं की बात करें हम लोग, कि भारत की चिंताएं क्या है। सार्क के लगभग आधे सदस्य पूर्ण सदस्य के रूप में संगठन में चीन के प्रवेश का समर्थन करते हैं। वास्तव में यह न केवल पाकिस्तान जो चीन के पूर्ण प्रवेश का समर्थन करता है, बल्कि श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे देश भी श्रीलंका के इसमें प्रवेश यानी कि चीन के प्रवेश करने की बात करते हैं। दुर्भाग्य से सार्क भारत पाकिस्तान की दरार और संघर्षों का बंधक है। चीन का समूह में पूर्ण सदस्य बनने का मुद्दा भी दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच दुश्मनी के दुष्चक्र का शिकार हो गया। भारत के लिए पूर्ण सदस्य के रूप में चीन के प्रवेश से भारतीय विरोधी चीनी पाकिस्तानी गठबंधन हो सकता है, जो सार्क के अन्य छोटे सदस्य भी शामिल हो सकते हैं।
यह चीन का दक्षिण एशिया में भारत के वर्चस्व को बेअसर करने का डर है, जिसके कारण नई दिल्ली को चीन की सदस्यता का लगातार विरोध करना पड़ रहा है। चीन के प्रवेश से पहले भारत ने अफगानिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने का प्रयास किया है। क्या किया जा सकता है कि सार्क को फिर से सक्रिय करने का समय मिले? कई विदेशी नीति के विशेषज्ञों का तर्क है कि चीन के साथ भारत के रणनीतिक प्रत्युत्तर व्यवहार की शुरुआत दक्षिण एशिया में से होनी है। इस संबंध में सार्क को फिर से संगठित करना महत्वपूर्ण है, जो 2014 के बाद से मंद हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के साथ बढ़ती दुश्मनी के कारण सार्क में भारत की राजनीतिक रुचि में काफी गिरावट आई है। भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक अलगाव का सामना नहीं कर रहा है। भारत ने सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक जैसे अन्य क्षेत्रीय उपकरणों में निवेश करना शुरू किया है। हालांकि बिम्स्टेक उन सभी बिम्स्टेक सदस्यों के बीच एक समान पहचान और इतिहास की कमी जैसे कारणों के लिए सार्क को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसके अलावा बिम्स्टेक का ध्यान बंगाल की खाड़ी क्षेत्र पर है। इस प्रकार का यह सभी दक्षिण एशियाई देशों के संलग्न के लिए एक अनुचित अनुचित मंच बना है। क्या है? अनुचित मंच बना है। दक्षिण में चीन को प्रभावित करने का एक तरीका दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना है। आसियान क्षेत्र में 25 अंतर क्षेत्रीय व्यापार की तुलना में दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक है, जो कुल दक्षिण एशियाई व्यापार का बामुश्किल 5% है। जबकि दक्षिण एशियाई देशों ने व्यापार संधियों पर हस्ताक्षर किए, राजनीतिक इच्छा शक्ति और विश्वास की कमी ने किसी भी सार्थक आंदोलन को रोका है। विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में व्यापार 67 बिलियन डॉलर के अनुमानित मूल्य का है, जबकि वास्तविक रूप से यह 23 बिलियन डॉलर है। भारत को अपने पड़ोसियों के साथ टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए नेतृत्व करना चाहिए और काम करना चाहिए। 2007 से लंबित सार्क निवेश संधि पर वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के अनुसार अंतर आसियान निवेश क्षेत्र में कुल निवेश का लगभग 19% है। सार्क क्षेत्र इसी तरह का उच्चतम इंट्रा सार्क निवेश प्रवाह से लाभ प्राप्त कर सकता है। गहरा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण भारत के साथ केंद्रीय भूमिका प्राप्त करने के लिए अधिक निर्भरता पैदा करेगा, जो बदले में भारत के लिए रणनीतिक क्षेत्रों को भी सेवा देगा, यानी कि देगा सेवा करेगा। इसके साथ आवश्यक है कि आत्मनिर्भर भारत को आयाम देने के उपरांत भारत दक्षिण एशिया में चीन के आर्थिक प्रभुत्व को कम करे। फिलहाल चीन की दक्षिण एशिया से दूर ही भारत के हित में, दक्षिण एशिया से दूरी भारत के हित में। यहाँ आपने एक बिम्स्टेक नाम सुना है, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें आपका भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। इसमें पाकिस्तान आपका शामिल नहीं है, अफगानिस्तान भी शामिल नहीं है, याद रखिए। ठीक है, इसमें 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है।